और दमोह हिजाब मामले में जांच समिति गठित कर दी गई है। दरअसल हिजाब मामले में कलेक्टर ने एक जांच समिति का गठन किया जिसमें तहसीलदार, डीसीपी और नगर पालिका सीएमओ इसकी जांच करेंगे और जांच के बाद तथ्यों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर जो जांच होगी उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे कदम उठाया जाएगा। जी, कल सोशल मीडिया से हम लोग को संज्ञान में आया कि पोस्टर सामने आया जो वायरल हो रहा था, जिसकी तुरंत हम लोगों ने जांच जिला शिक्षा अधिकारी एवं कोतवाली प्रभारी से कराई। नहीं, इसमें प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने इस चीज़ की जांच करी थी कि किसी बच्चे को या अभिभावक को कोई प्रेशर देकर या कोई कपड़ा का पहनाया गया, ऐसा तो नहीं है। तो उसमें जो प्रारंभिक रूप से जो चीज़ तथ्य हमारे पास सामने आए हैं उसमें यही सामने आया कि किसी को फोर्स नहीं किया गया है। दो तीन आज हम लोग को एक ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है, उस ज्ञापन की जांच करने के लिए हम लोगों ने एक टीम गठित कर दी है जिसमें तहसीलदार के अध्यक्षता में डीपीसी और सीएमओ नगर पालिका रहेंगे और माननीय गृह मंत्री जी का भी मैंने बयान देखा है। माननीय मंत्री जी ने भी एसपी साहब को आदेश किया है इसकी जांच हेतु, तो उसमें एसपी साहब मुझे लगता है इसमें पूरी जांच करवाएंगे अलग। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी आशीष जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी क्या इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई है तो तथ्य सामने आए। आशीष, क्या अपडेट मिल पा रहा है, जांच शुरू हो चुकी है? अनिश्चित, जो हिजाब का मामला दमोह में सामने आया, गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो पोस्टर जारी किया गया था, रिजल्ट को लेकर के जो पोस्टर जारी हुआ था उसको लेकर के लगातार वीडियो जो पोस्टर वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर बयान दिया, और बयान दिए जाने के बाद अब शाम को जब हम कलेक्टर से मुखातिब हुए तो उनका कहना था कि इस मामले पर एक जांच समिति का गठन किया गया है जिसमें तहसीलदार की अध्यक्षता में जो डीसीपी है और नगर पालिका के सीएमओ है उनके द्वारा इस मामले पर जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इसके पहले भी एक जांच जिला शिक्षा अधिकारी और कोतवाली प्रभारी के माध्यम से की गई थी जिसमें किसी भी तरह की कोई भी आपत्तिजनक चीजें नहीं पाई गई थी, लेकिन एक बार फिर जब जांच के आदेश गृहमंत्री के द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए तो इस मामले पर एक टीम का गठन किया गया। हालांकि दोपहर में हिंदू संगठनों के द्वारा एक ज्ञापन भी जिला कलेक्ट्रेट पहुंच करके दिया गया था और इसी ज्ञापन को मामले में जांच के लिए इस टीम का गठन किया गया है और इस टीम के गठन के साथ ही जिस तरह की बातें सामने आएंगी, जो बातें इस मामले में सामने आएंगी उसको लेकर के कार्रवाई की जाएगी, यह कहना है दमोह के कलेक्टर मयंक अग्रवाल का। और ये जो अभी की परिस्थितियां हैं इसको लेकर अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें स्कूल की तरफ से कोई बात आशीष सामने नहीं आई है, और अभी की इन बातों को लेकर जिस तरह के अब सियासत में भी अब बयानबाजी शुरू हो गई, गृहमंत्री ने अलग इस पूरे मामले पर स्पष्ट किया कि सख्ती दिखाई जाएगी आगे। अनिश्चित, इसमें जो स्कूल का प्रबंधन है उनके डायरेक्टर से हमने मुलाकात की है, उनसे बातचीत भी की है, तो उनका कहना है कि हमारा ड्रेस कोड है और यह कोई हिजाब नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना था कि यह एक स्कार्फ जैसा चीज है जिसको लगाना किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं किया जाता, जो भी बेटियां लगा करके आती हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, और नहीं लगा के आती तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उस स्कूल में हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी की बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे में किसी पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता। उनका कहना है कि यह हिजाब नहीं है, स्कार्फ है और यह उनका ड्रेस कोड है जो बहुत पहले से लागू है। हालांकि फोटो वायरल होने के बाद यह पूरा विवाद सामने आया, डायरेक्टर की बातचीत में, डायरेक्टर से जब हमने बातचीत की, दो डायरेक्टरों से हमने बातचीत की थी और उनसे इस तरह की बातचीत सामने आने के बाद उन्होंने यह सफाई इस मामले पर दी है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते